नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका आप आईएएस के डेली हिंदी एडिटोरियल डिस्कशन में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो टॉपिक जिस वजह से अपने ये हम लोगों ने कल आरसी पे डिस्कस काफ़ी विस्तार से इसके बारे में डिस्कस किया था, तो इसी में से थोड़ा सा कुछ और भी आगे इसके बारे में कुछ अच्छे पॉइंट मिले हैं तो हम उन आर्टिकल में उनको कवर करेंगे। और साथ ही साथ जो है तो आपका भी इसमें काफ़ी मतलब रिवाइज़ हो जाएगा जो हम लोगों ने कल उसको विस्तार से डिस्कस किया था। तो और दूसरा अपना जो टॉपिक होगा तो वो पुलिस और यहाँ पास वकीलों के बीच जो यहाँ पास अभी दिल्ली में डिस्प्यूट देखने को मिला है तो इसके बारे में ये आर्टिकल है। तो विभूति नारायण जी का आर्टिकल काफ़ी अच्छा आर्टिकल होगा, इसमें उसी के थ्रू हम इस टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे ना। तो हम देखते हैं कि इसमें से आप देख सकते हैं कि यहाँ पास तीन आर्टिकल हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक ये जो है वकीलों वाला है, ये विभूति नारायण जी का आर्टिकल है, और वहीं जो है तो ये आरसीपी से रिलेटेड ये दो आर्टिकल हैं। तो इन दोनों को ये एक आलोक पुराणी जी का आर्टिकल है और वहीं अश्विनी महाजन जी का आर्टिकल है। इन दोनों को हम आरसीपी का जो है तो इनको एक साइड मतलब कि दोनों को एक ही उस पर डिस्कस करेंगे ना। साथ साथ जो अपना जो कल का था तो वो भी रिवाइज हो जाएगा इस उस पर। तो हम चलते अपने आर्टिकल की तरफ कि ये जो आरसीपी से रिलेटेड आर्टिकल है कि ये आलोक पुराणिक जी का है कि जैसे कि हम लोगों ने कल बात भी किया था इसके बारे में विस्तार से कि जैसे कि भारत ने आरसीपी पे शामिल होने से मतलब कि इसमें हस्ताक्षर नहीं किए हैं, है ना। तो उसके अपनी मतलब कि जो भी समस्याएं थी जिस कारण भारत इसमें शामिल नहीं हुआ था, तो उसमें हम लोगों ने कल काफ़ी विस्तार से इसके बारे में डिस्कस भी किया था, है ना। और वहीं जैसे कि यदि बात यदि इसी भी हम थोड़ा सा इसको रिवाइज़ करते हैं कि जैसे कि इसमें से मेंबर की बात की जाए तो 10 आसियान के कंट्री हैं, प्लस वहीं 6 कंट्री जो हैं। तो इसमें से 6 में से कौन कौन थे, भारत है, चीन है ना, दक्षिण कोरिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड था ना। और एक चीज़ यहाँ पास मैं थोड़ा सा और भी यहाँ पास बताना चाहूँगा फ्रेंड कि एक छोटा सा डाउट भी जैसे लोगों को हो जाता है तो इसको आप लोग मतलब इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा कि जैसे कि आरसीपी के जो मेंबर हैं वो 16 हैं, ठीक है। तो ये 16 तो 10 प्लस एशियन के 10 हैं, 6 ही हैं। और वहीं जो अपना ये जो ईस्ट एशिया समिट भी हुई थी ना, तो ये भी इसी इसमें हुई थी। तो इस ईस्ट एशिया जो समिट हुई थी तो इसमें जो मेंबर हैं तो इसमें से जो मेंबर हैं तो 18 मेंबर हैं। तो ये 16 मेंबर तो यही आरसीपी वाले हैं, प्लस उसमें से जो एक्स्ट्रा दो मेंबर हैं वो है यूएस और प्लस एक रूस। ये भी आप लोग अपने मतलब कि माइंड में रखिएगा ना, ये मतलब कि इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है, तो इसके बारे में मतलब कि आपको क्लियर होना चाहिए ना कि उसके जो है तो दो एक्स्ट्रा कौन से मेंबर है। और आरसीपी में याद रखिएगा कि अमेरिका और ये रूस नहीं है ना। अब देखते हैं कि जैसे यहाँ पास भारत ने मतलब कि अपनी समस्याएं वहाँ पास बताई थी, उसका जो है तो उचित निराकरण नहीं हो पाने के कारण जो भारत इस समझौते से मतलब कि बाहर हो गया था, है ना। तो इसमें से जैसे कि हम बात करते हैं कि हालांकि भारत की समझौते से मतलब कि मना करने के बाद तो काफ़ी मतलब कि इसमें आर्थिक और राजनीतिक महत्व में तो कमी आएगी, है ना। इस पॉइंट आप भी उसे बात किया तो, लेकिन फिर भी इस समझौते का जैसे बात की जाए तो इसका भी एक प्लस से अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, है ना, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। अब जैसे कि बात की जाए तो भारत आरसीपी में शामिल नहीं यदि हो जाता तो निश्चित तौर पर जैसे कि पूरे जो आरसीपी के देश थे तो उनका काफ़ी ज़्यादा बाज़ार विस्तृत हो जाता, क्योंकि भारत वैसे भी काफ़ी बड़ा वर्ल्ड की लगभग लगभग 17% जो है तो पॉपुलेशन को शेयर करता है ना। और साथ ही साथ एक प्रकार से कह सकते हैं कि व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही बड़ा मार्केट है ना भारत, तो इसके लिए मतलब कि इनको काफ़ी बड़ा बाज़ार भी मिल जाता। वहीं जैसे कि यदि हम देखें तो एक प्रकार से ये ग्लोबल मतलब कि जो जीडीपी है तो उसकी भी लगभग लगभग ये एक तिहाई जो पूरी मतलब कि उसका मतलब शेयर होल्डर है तो पूरा मतलब कि ये जो आरसीपी के उस पर है तो उसमें मतलब कि आता है ना। तो अब ये देखते हैं जैसे कि भारत का जो बड़ा बाज़ार है, है ना, और आबादी के मामले में यदि हम वर्ल्ड के सेकंड नंबर पर आते हैं तो निश्चित तौर पर जो ये जो मतलब कि जो भी कंपनियाँ मतलब कि जो देश हैं तो निश्चित तौर पे वो बाज़ार में अपना मतलब कि भारत के बाज़ार में निश्चित तौर पे प्रवेश करना चाहेंगी, है ना, क्योंकि यहाँ पास उनको काफ़ी बड़ा मार्केट दिख रहा है। और कंपनियाँ हैं तो वो तो निश्चित तौर पे इसके लिए ज़रूर मतलब कि वो तो चाहती हैं कि उनको मतलब कि जो गुड्स वगैरह हैं तो उसको जहाँ ज़्यादा मतलब कि खपाया जा सके, है ना, तो निश्चित तौर पर उधर से तो आकर्षित होंगी, उसमें कोई डाउट नहीं। अब जैसे कि भारत के सेवा क्षेत्र की बात की है तो भारत सेवा क्षेत्र में काफ़ी मतलब कि काफ़ी महारत हासिल है, है ना, यानी कि भारत सेवा क्षेत्र में जैसे कह सकते हैं कि कई देशों में जाकर के निवेश कर सकता है और वहाँ पास काफ़ी ज़्यादा कमाई भी कर सकता है ना। तो जैसे कि भारत की समस्याएं यहाँ पास देखने को मिली थी, जैसे कि भारत के पास जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, तो वो मतलब कि इतना स्ट्रांग नहीं है,
जो कि सस्ती रेट पर एक प्रकार से अच्छे गुड्स तैयार कर सके। यही भारत के एक प्रकार से एक वीक पॉइंट भी है भारत का, है ना। तो इसीलिए वहाँ पास जो है तो आरसीपी में भी ये डिस्प्यूट देखने को मिला कि जो आरसीपी में जो है तो गुड्स वगैरह के लिए तो अलाउ कर दिया गया, बट सर्विस सेक्टर के लिए जिसमें भारत जो है तो एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उसको क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है तो उसको अलाउ नहीं किया गया था। तो ये भी एक प्रकार से इसमें पॉइंट ही रहा था अपना, है ना। तो जैसे कि बात करते हैं कि कुल मिलाकर ये बात तो यही है कि जैसे भारत जिन क्षेत्रों में आरसीपी में एक प्रकार से अच्छा कर रहा था उसके लिए तो वहाँ पास उसको एंट्री ही नहीं मिली, और जिस पे वो वीक है तो उसके लिए मतलब कि एक प्रकार से उन्होंने मतलब कि मार्केट को उसके लिए परमिशन दी गई थी, है ना। तो ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, हम लोगों ने इसके बारे में कल काफ़ी विस्तार से डिस्कस भी किया था, है ना। तो जैसे कि हम बात करते कि जैसे गुड्स के मामले की बात की जाए तो गुड्स के मामले में वैसे भी चीन की कंपनियाँ काफ़ी ज़्यादा हाई, क्योंकि वहाँ पास प्रोडक्शन बहुत ही हाई लेवल पे होता है ना। और चीन तो एक प्रकार से पूरा बाजार की तलाश में भी बल्कि एक प्रकार से ग्लोबल लेवल पे भी मतलब कि इसी निगाह से रहता है कि वो कहाँ पास वो कितना बड़ा मतलब कि बाज़ार की तलाश में रहता है कि अपने गुड्स को कहाँ पास खपा दे। और यदि हम बात करें कि वहाँ पास अमेरिका के साथ जो ट्रेड वार हो गया तो उससे भी उसको अब और भी ज़्यादा ज़रूरत मतलब महसूस होने लगी और दूसरे बाज़ार की तलाशने की, है ना। तो उससे भारत एक मतलब कि अच्छा विकल्प के तौर भी दिख रहा था, लेकिन भले ही उसके मतलब कि जिस प्रकार से उसने आशा की उसके अनुरूप जो है तो भारत का रिएक्शन नहीं देखने को मिला, तो इसके जो है तो निश्चित तौर पे जो तो चीन को भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आघात लगा ही होगा, है ना। तो अब जैसे कि बात करते हैं कि जैसे आरसीपी समझौता जैसे नहीं हुआ है तब भी जैसे भारत में बिकने वाले जैसे कि यदि बात करें चाइना की बात करें किस प्रकार से उसका जो प्रभुत्व है, तो भारत के संदर्भ में यदि बात की जाए तो भारत के बाज़ार में जो टॉप के मतलब कि 10 स्मार्टफोन हैं उनमें से 7 चाइनीज ब्रांड के हैं। हम इसको इस प्रकार से जान सकते हैं कि जो चाइना के गुड्स हैं तो किस प्रकार से हमारे मतलब कि भारत की मतलब बाज़ार में किस प्रकार से अपनी पैठ जमाए हुए हैं, हम इसको यहीं से देख सकते हैं, है ना। अब वैसे ही भारत जो है तो एक प्रकार से मोबाइल मार्केट के उससे बात किया तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पास स्मार्टफोन यूज़र भी है ना। तो यहाँ पास जो है तो एक प्रकार से मोबाइल मार्केट में चीन का एक प्रकार से कब्जा ही है। जैसे कि आरसीएफ जब चाइनीज़ आइटमों को एक प्रकार से खुली छूट दे देता है, ये इससे जो इसमें जो ड्यूटीज़ वगैरह कम हो जाती है इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह, तो इससे तो निश्चित तौर पर जो भारत में बनने वाली जो आइटम वगैरह हैं तो एक प्रकार से उनकी हालत और भी ज़्यादा खस्ता हो जाती है ना। तो एक प्रकार से ये भी मतलब कि इसके लिए ये जो है तो भारत का इसमें आरसीपी में ना जाने का ये भी एक पॉइंट ही था, है ना। तो जैसे कि तो बात करते हैं कि इसमें जो अधिकांश व्यापार समझौते से भारत लाभ तो नहीं उठा पाया है, ये भी एक प्रकार से वास्तविकता भी है। जैसे कि भारत ने कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किया है, जैसे कि आसियान देशों की बात की जाए तो आसियान देशों के साथ भी जो है तो भारत का एक प्रकार से FTA जो है तो 2011 में हुआ था, है ना। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये देखने को मिली थी कि जैसे आसियान के साथ भारत की जो तो ट्रेड डेफिसिट लगभग लगभग 3 गुना तक हो गया है ना। अब इसमें यदि एक चीज़ समस्या यहाँ पास ये देखने को मिली कि आखिर क्यों जब ये चीज़ें हो रही थी भारत को ये पता थी तो भारत मतलब किससे निकल सकता था, लेकिन यहाँ पास ये भी मतलब कि समझौते में ऐसा भी था कि इसमें कोई निकलने का प्रावधान नहीं था, ना ही इसमें कुछ मतलब कि पुनर्विचार का भी कोई प्रावधान नहीं था। इस कारण जो है तो भारत के मतलब एक किसान है ना और भारत के जो उद्योग सेक्टर है तो बहुत ज़्यादा दुष्प्रभावित हुआ इस वजह से, है ना। और हालांकि अभी हाल ही में कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट देखने के लिए अपने जो वाणिज्य मंत्री ने वहाँ पास मतलब कि आसियान देशों को इस मामले में मतलब कि इसके पुनर्विचार के लिए इस समझौते पर जो तो मतलब उन्हें राजी कर लिया, तो ये भारत के लिए किसके एक प्रकार से सुखद समाज मतलब कि हो सकता है ना, कि जो है तो इसके बारे में निश्चित तौर पर जब रिव्यू होगा तो इसकी समीक्षा की जाएगी, तो निश्चित तौर पर जो तो एक प्रकार से कह सकते कि बैलेंस की स्थिति के लिए कुछ और भी कारगर उपाय अपनाए जा सकते हैं, है ना। वैसे आप देखते हैं कि जैसे कि इसमें हम देखें कि आसियान देशों के साथ जैसे व्यापार घाटे के हम उसमें तो देख ही चुके, जैसे कि बात करें ग्लोबल कारोबार के मामले में भारत की स्थिति भी हम देख सकते हैं कि व्यापार के मामले में किस प्रकार से भारत ज़्यादातर जो देश है तो वहाँ पर एक प्रकार से ट्रेड डेफिसिट में ही देखने को मिल रहा है ना। अमेरिका को हम अपवाद के तौर पे छोड़ सकते हैं ना, कि उसके भी कुछ मतलब कि और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है तो भारत तो एक प्रकार से ट्रेड डेफिसिट में ही देखने को मिलता है। वहीं यहाँ पास जैसे कि कुछ मतलब आंकड़े भी दिया गया कि जैसे ये बात की 2009-10 में आसियान देशों के साथ जैसे भारत का व्यापार घाटा लगभग $8 अरब का था, है ना। वहीं 18-19 में तो और बढ़कर के लगभग $22 अरब का हो गया था। तो इस प्रकार से ये इंक्रीज़ होता ही जा रहा है ना, तो ये भी एक प्रकार से समस्या तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा है। ये भारत के यदि हम अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से बात करें तो निश्चित तौर पर बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक संकेत है ना। तो आरसेप की साथ ही जैसे चाइना के साथ भी तो $50 अरब के से भी ज़्यादा का व्यापार घाटा है, हम लोगों ने इसके बारे में कल भी ज़्यादा मतलब कोई डिस्कस ही किया था।
तो इसके यदि यदि ये हो जाता समझौता, तो निश्चित तौर पे जो तो एक प्रकार से भारत में तो चाइनीज़ माल या इनके जो है तो काफ़ी मतलब जो सस्ते प्रोडक्शन मतलब कि आसानी से होते, तो एक प्रकार से सस्ते गुड्स पूरे भारत के मार्केट में एक प्रकार से डंप ही हो जाते है ना। जो कि वर्तमान में जैसे कि चाइनाज़ के जो मतलब कि जो चीन के गुड्स वगैरह हैं, तो उनके तो एक प्रकार से 80 से 90% जो आइटम सस्ते हो जाते इस RCEP समझौते के बाद, और एक प्रकार से भारत को उस मार्केट पर डंप हो जाते है ना। तो इसमें से यदि बात करें कि इसकी कुछ और भी चीज़ें जैसे कि देखें कि एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे क्या कि हम लोगों ने इसमें जैसे हालांकि इसमें बात की थी, लेकिन थोड़ा सा इसमें और ज़्यादा मतलब कि देखते हैं कि जैसे हमें ये ज़्यादा ज़रूरी जानना है कि किसानों का जैसे मुकाबला जो है तो किन विदेशी उत्पादकों के साथ होने वाला था, यदि समझौता हो जाता तब है ना। जैसे कि हम बात करें कुछ हमारे यहाँ पास की विषमताएं भी देखने को मिल सकती है कि भले हम क्वांटिटी के लेवल पे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्वालिटी की जहाँ बात आती है तो हमारे मतलब की जो कंडीशन होती है तो डाउन हो जाती है ना। यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे कि बात करें कि हमारे मतलब कि यहाँ 10 करोड़ किसान और गैर किसानों की जो जीविका है तो डेयरी पर चलती है, ठीक है। जबकि न्यूजीलैंड की बात की जाए तो उसका जो पूरा सारा डेयरी उत्पाद जो है ना, तो वो जो लगभग पूरे विश्व में जो निर्यात होता है डेयरी उत्पाद का, तो लगभग लगभग उसमें से बात किया तो उसकी न्यूजीलैंड का 11,500 डेयरियों से आता है ना। यहाँ पर हम देख सकते हैं कितना मतलब कि इसे यहाँ क्वालिटी की बातें आ जाती हैं, क्वांटिटी पे और क्वालिटी पे कितना मतलब कोई डिफरेंट देखने को मिल रहा है ना। यानी कि वो दुनिया के एक प्रकार से कुल डेयरी निर्यात का लगभग 30% हिस्सा रखते हैं। वहीं हम जापान के उसके बात करें तो जापान जो है तो चावल, गेहूं, कपास, चीनी और डेयरी के उत्पादकों के संरक्षण के लिए भी लगभग लगभग जो है तो 33.8 अरब डॉलर की सहायता देता है ना। यानी कि वो कितना ज़्यादा सब्सिडी अपने वहाँ पास किसानों को देता है। तो वही यानी कि कैसे हमारे भारत की बात की जाए तो भारत में तो मतलब कि इतनी ज़्यादा सब्सिडी बिल्कुल भी नहीं दी जाती, इससे जो तो हमारे इस पे उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव देखने को भी मिलता है ना। उस प्रकार से यहाँ पास उत्पादन नहीं हो पाता है, ये भी एक प्रकार से समस्या ही है ना। वहीं जैसे कि बात की जाए कि जो न्यूजीलैंड के दूध पाउडर की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो कीमत है तो उसकी मात्र 180 रुपये प्रति किलो है ना, दूध पाउडर की बात करते हैं तो। यानी कि वहाँ पर जो है तो ये डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ट्रेड में किस तरह उसका 30% हिस्सा है डेयरी प्रोडक्ट में, एक्सपोर्ट में न्यूजीलैंड का, तो वहाँ काफ़ी सस्ता ये है। जबकि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो भारत में दूध पाउडर की जो कीमत है लगभग 290 रुपये प्रति किलो है ग्राम है ना। अब यदि यही ट्रेड हो जाता तो फिर यदि 180 रुपये है तो कितना भी मतलब कि वो किया जाता तो कम हो मतलब कि इसके रेट जो तो काफ़ी कम हो जाते, तो निश्चित तौर पे जो तो लोग सस्ता ही पसंद करते हैं ना। तो निश्चित तौर पे जो तो भारत की जो ये मतलब कि कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट हैं, तो निश्चित तौर पे इनको बहुत ज़्यादा नकारात्मक को सामना करना पड़ता, प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है ना। तो ऐसे में तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो न्यूजीलैंड का मतलब कि इस प्रकार से एंट्री हो जाती है डेयरी प्रोडक्ट में, तो निश्चित तौर पर भारत की जो डेयरी का वो है तो एक प्रकार से कह सकते कि बहुत ही जर्जर कंडीशन हो सकती थी ना। अब वहीं हम देखते हैं जैसे कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से जैसे डेयरी उत्पाद तो सस्ते होकर के भारत के आइटम के प्रकार से खतरा तो पैदा करते हैं है ना। तो इस दृष्टिकोण से बात करें तो ये फैसला जो है तो बहुत ही अच्छा इसको माना जा सकता है ना। अब जैसे देखें कि यहाँ पास जैसे टेक्सटाइल है ना, रसायन, प्लास्टिक के कारोबार के लोग, तो इनको भी समस्या देखने को मिलती थी कि एक प्रकार से जो सस्ते चीनी आइटम है तो भारत के अर्थव्यवस्था तो कहीं तबाह ना कर दें है ना। तो उनसे इससे भी उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना करना ही पड़ता। तो जैसे कि चीन की बात करें तो चीन जहाँ अपने यहाँ एक प्रकार से आसानी से विदेशी कंपनियों को परमिशन दे रहा है ना, तो इससे एक प्रकार से जो चीनी ब्रांड के फ़ोन भी यहाँ भारत में काफ़ी ज़्यादा बिक रहे हैं। वहीं भारत की जो टेलीकॉम कंपनी है उसको भी व्यापक और सस्ती सेवाएं बेचने की इजाज़त चीन नहीं देता है। भारत की बात की है तो भारत के जो सर्विस सेक्टर को इस प्रकार से चाइना जो है तो अपने मार्केट पे ज़्यादा वो नहीं देता है, एंट्री नहीं देता है ना। जबकि वो बताता तो रहता है कि हम इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह मतलब कि ज़्यादा नहीं कर, एक प्रकार से कम ही कर देंगे, लेकिन वो इसका समर्थन तो करता है मुक्त व्यापार का, लेकिन जब वहाँ पर अपनी बातें आती है, अपने हित की बात आती है, तो फिर उन चीज़ों से एक प्रकार से वो मतलब कि उसको नकार देता है। अब जैसे कि इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पास देख सकते हैं ना, इसको आप अपने आंसर राइटिंग में इनको आप बिल्कुल मतलब कि कोट कर सकते हैं, तो काफ़ी मतलब कि इम्पोर्टेंट ये एक प्रकार से इनको कह सकते हैं कि आपके एवरग्रीन टॉपिक हो सकते हैं। यहाँ पर भारत और चीन के रिलेशन की बातें आएंगी है ना, या कि ग्लोबल लेवल पे और भी ज़्यादा रिलेशन की बातें आएंगी, तो यहाँ पास आप जो है तो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आर्टिकल है RCEP का, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसको RCEP तक ही फोकस करके नहीं, बल्कि आप इसको जो है तो भारत के व्यापार की बात की जाए तो भारत का जो व्यापार का दृष्टिकोण होगा
तो उसको आप बिल्कुल, इसके जो पॉइंट हो तो उसको आप आराम से यूज कर सकते हैं। और निश्चित तौर पे यही होता है ना, क्योंकि व्यापार में कितने भी डायमेंशन बदले, वो देश बदल सकता है लेकिन जो व्यापार की रणनीति होती है वो नहीं बदलती है, वो तो हमें सभी मतलब कि मोस्टली एक ही जैसी अप्लाई होती है। तो आप बिल्कुल उनके पॉइंट को काफ़ी ज़्यादा मतलब यूज कर सकते हैं है ना। साथ ही साथ जो है तो इसको एक प्रकार से ट्रेड को समझने का भी एक प्रकार से आपका बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगी। अब जैसे देखते हैं कि यहाँ पास 2011 में जो पीटर नवारू और ग्रेग आर्ट्री है उनकी एक किताब आई थी, तो किताब कौन थी, डेथ बाय चाइना, ये जो बुक थी। तो इसमें उन्होंने ये बताया था कि चीन और एक प्रकार से अमेरिका की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से तबाह कर रहा है ना। और इसी बुक को पढ़ करके ट्रंप ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा उन प्रभावित हुए थे, और आप देख उसका रिजल्ट भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो प्रोटेक्शनिज्म आ गया है ना, संरक्षणवाद आ गया, ट्रेड वार फिर छिड़ गया, ट्रंप ने मतलब कि चीन के साथ किस प्रकार से जो ट्रंप का रूल है एक प्रकार से रवैया है तो भी अब देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसको कह सकते हैं कि जो तो इस बुक का उन पर प्रभाव रहा ही होगा है ना। अब देखते हैं, जैसे कि बात करते हैं कि इस किताब में जो बताया गया है कि जो यानी कुछ तरीके बताए गए हैं जिस तरीकों से एक प्रकार से चीन जो है अमेरिका को ठगने की कोशिश कर रहा है ना। तो उन तरीकों में कौन कौन से हैं, यहाँ पर जैसे बात करते हैं ये पॉइंट, जैसे देखें कि अवैध तरीके से जो दी जाने वाली निर्यात सब्सिडी है ना, कि किस प्रकार से जो है तो जो चीन है तो अवैध तरीके से यानी इलीगल ढंग से जो है तो इतना ज़्यादा सब्सिडी अपने उसको मार्केट को देता है, यहाँ किसानों को देता है ना, ताकि ज़्यादा उत्पादन हो, फिर उसके बाद फिर उसको एक प्रकार से एक्सपोर्ट कर सके। वहीं जैसे कि चतुराई से चीनी मुद्रा की धोखाधड़ी करता है ना, ये भी एक पॉइंट है। वहीं अमेरिकी जो तकनीकी है तो वो चीनियों द्वारा चोरी कर ली जाती है, वो अमेरिका जैसे कहता भी रहता है, ट्रम्प कहते भी रहता है कि जो अमेरिका तो भारत की मतलब अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है उसको चोरी चोरी कर ले जाता है ना। तो इसके बारे में मतलब कि इस बुक में हाईलाइट किया है। वहीं पर्यावरण का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, तो वहाँ पास तो पर्यावरण को ऐसे भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया जाता है चीन में एक हिसाब से बात किया, तो इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो वहीं देखते हैं जैसे कि कामगारों की सेहत और सुरक्षा के साथ समझौता ना, तो हम वहाँ पास के सस्ते श्रम के हिसाब से भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा, इसीलिए तो वहाँ पास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है ना, श्रम की इस तरह की जटिलताएँ नहीं है। वहीं गैर कानूनी तौर पर लगाया गया आयात शुल्क ना, इम्पोर्ट ड्यूटी कितना ज़्यादा मतलब कि लगा देता है इलीगल ढंग से, नॉन टाइप बेजर वगैरह लगा देता है, तो इस ये भी उसमें पॉइंट था। वहीं बहुत कम कीमतों के जरिए एक प्रकार से बाजार पर कब्जा और फिर उपभोक्ताओं का शोषण जो दिख ही रहा है कि किस प्रकार से वैश्विक लेवल पे अपने माल को एक प्रकार से चीन डंप करता जा रहा है ना, बहुत सस्ते दामों पे, तो जिससे एक प्रकार से वो बाजारों पे पैठ बनाता जा रहा है। तो ये आज भी देखने को मिल रही है, पूरे जो पॉइंट तो एक प्रकार से रिलेवेंट लग भी रहे हैं, और ये मोस्टली भारत के संदर्भ में भी देखा जाए तो इसी तरह चीज़ें मतलब कि हो भी रही है ना। और अमेरिका के साथ तो था ही, वहीं विदेशी कंपनियों को एक प्रकार से चीन से दूर रखना, तो ये भी है कि वो अपने वहाँ जो मतलब कि जो विदेशी कंपनी तो उनको ज़्यादा मतलब कि वो नहीं करता है अपने मार्केट में मतलब कि जो प्रोडक्ट मतलब कि कह सकते हैं कि जो भी गुड्स वगैरह हैं तो उसको एक प्रकार से अपने मार्केट में एंट्री बिल्कुल नहीं करने देता है। तो ये जो बुक आई थी तो इसमें जैसे कि हम बात करते हैं कि डेथ बाय चाइना की जो लेखक थे तो उनका एक प्रकार से इसका कंक्लूजन के तौर पे बात की जाए तो एक प्रकार से चीन जो है तो जानबूझकर अपनी करेंसी जो उसकी युआन है तो उसको एक प्रकार से सस्ता रखता था, यानी कि वो वैसे भी देखते हैं कि जैसे किस प्रकार से वो अवमूल्यन करता रहता है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके है ना। जब अवमूल्यन कर देगा तो उसके जो गुड्स वगैरह हैं तो बहुत ही सस्ते हो जाएंगे, और सस्ते हो जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक प्रकार से लोग उसको ज़्यादा परचेज करेंगे ना। तो अब जैसे बात करें तो इससे क्या होता है कि जैसे आरसीईपी में ना जाने की मतलब ये नहीं है कि कई भारतीय कारोबारी ये मतलब कि ऐसा समझ ले कि उन्हें अपने हिसाब से महंगे और घटिया आइटम बेचने का लाइसेंस हासिल हो गया है ना। मतलब कि राइटर का कहने का मतलब ये है कि भारत ने यदि आरसीईपी में समझौता मतलब नहीं किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भारतीय कारोबारी है तो एक प्रकार से लचरता बरते कि उन्हें किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करने पड़ेगा, तो अपने हिसाब से मनमाने ढंग से किसी भी तरह से मतलब कि मतलब ख़राब गुणवत्ता के जो गुड्स वगैरह हैं तो यहाँ पास मतलब कि उसका उत्पादन करेंगे और लोगों को वो करेंगे है ना। तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है ना। जैसे कि बात करें कि ये बात अपनी जगह तो सही है कि प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं का भला होता है, यानी कि आरसीपी से यदि भारत इसमें समझौता कर लिया होता तो निश्चित तौर पर जो तो अन्य जो मतलब के देश हैं तो उनकी वस्तुओं के साथ भारत की वस्तुओं का एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा होता, तो निश्चित तौर पर जो तो इससे एक प्रकार से कह सकते हैं कि गुणात्मक सुधार देखने को निश्चित तौर पर मिलता है ना। क्योंकि जिसकी ही मतलब कि गुड्स में ज़्यादा क्वालिटी होती तो उसी की ज़्यादा मार्केट में वैल्यू भी होती, उसी की ज़्यादा डिमांड भी होती,
तो इससे जो तो मतलब कंपनियां चाहती कि उनके जो गुड्स हैं तो काफ़ी अच्छे हों, तो क्वालिटी से इम्प्रूव होती, साथ साथ जो है तो लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा उनके लिए भी अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं उनको उपलब्ध हो पाती। तो एक प्रकार से जैसे हम बात करते हैं कि एक प्रकार से लंबे से जैसे कई भारतीय कारोबार बहुत आसान माहौल पर एक प्रकार से काम करने के आदि तो रहे हैं। जैसे कि हम बात करें कि एक ज़माने में जैसे भारतीय कार बाज़ार की बात की जाए, तो भारतीय कार बाज़ार जो है तो प्रतिस्पर्धा के विहीन था, है ना, वहाँ पर ज़्यादा इतना ज़्यादा वो नहीं था। तो इसीलिए जो एम्बेसडर और फिएट जैसे कुछ एक ब्रांड ही थे, आप लोग देख सकते हैं कि जैसे एम्बेसडर फिएट की बात की है तो ISK उस पर भी स्पेशली देख सकते हैं कि मतलब कि यही मतलब बहुत लंबे समय तक देखी जा रही थी, साथ ही साथ मिनिस्ट्री वगैरह के लिए भी यही थी। तो एक प्रकार से ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक छत्र ऋषि का राज था। रीज़न इसके लिए इसके पीछे क्या था कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कार की उस पर ज़्यादा कंपनियां नहीं थी, तो इसीलिए इसको ज़्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं मिली। इसने भी काफ़ी कोई मतलब ज़्यादा खास इंप्रूवमेंट इसमें भी नहीं देखने को मिला, और हालांकि मतलब कि इसकी वैल्यू तो थी ही ना, क्रेज काफ़ी था भी इसका, लेकिन इसके पीछे एक मतलब कि इसका एक सटीक उदाहरण इसके तौर पर हो सकता है। तो जैसे देखते हैं कि एम्बेसडर ने तो अपने एक प्रकार से मतलब कुछ ज़्यादा कोई ज़्यादा खास वो नहीं बदला था, है ना। तो अब जैसे कि वर्तमान में देखा जाए तो अब काफ़ी ज़्यादा कंपनियां मतलब को बहुत सी हो गई, तो अब देख भी सकते हैं, कई प्रकार के ब्रांड देखने को मिल सकते हैं, है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे अच्छे भी देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे बात करें कि जैसे हाल ही में बात की जाए तो जो हमारे मतलब कि अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला की बात की, तो उन्होंने उनके अध्यक्षता में जो एक रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था अपने पिछले जो एडिटोरियल डिस्कशन में। तो उसमें जैसे कि बात की इसी में उन्होंने मतलब कि कुछ सजेशन भी दिए थे किस प्रकार से जो अपने एक्सपोर्ट है तो भारत उसको बढ़ा सकता है। इसी में हम लोगों ने एलिफेंट सॉवरेन बॉन्ड की भी बात की थी, है ना, और भी कई ज़्यादा मतलब कि एग्जिम क्रेडिट को बढ़ाने संबंधित और भी कई उन्होंने मतलब सजेशन दिए। तो इसी में जैसे कि उन्होंने बताया कि जो निर्यात किस प्रकार से बढ़ाया जाए, तो इसमें जैसे कि उनकी सिफारिशों का एक प्रकार से आशय ये भी है कि जैसे भले हमें अपना घर दुरुस्त करना होगा, है ना, पहले तो हमें मतलब कि हम मतलब कि अपना जो बाज़ार है तो उसको ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है ना, साथ ही साथ जैसे कि और मतलब कि पूरे ग्लोबल समूह बन रहे हैं तो उसके हिसाब से हमें जो है तो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है ना। हम लंबे समय तक एक प्रकार से अपने कारोबारियों को यह कहकर नहीं बचा सकते कि अभी हमारे मतलब कि हमारे यहाँ मतलब ज़्यादा वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप नहीं, हमारे लोग मतलब कि प्रतिस्पर्धा करने के लिए ग्लोबल लेवल पे मतलब सक्षम नहीं है, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, है ना। तो एक प्रकार से हमें निश्चित तौर पर उनको हमें मतलब कि अपने बाज़ार में मतलब यह कह सकते हैं कि अपनी वस्तु अपने गुड्स का इन चीज़ों का एक प्रकार से इनकी क्वालिटी बढ़ानी ही होगी यदि हमें ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन करना है तो। और RCEP में ना शामिल होना राष्ट्रीय हित का फैसला है, पर कंपनियों को बेहतर ना बनाना, उन पर बेहतर बनने का दबाव ना डालना कतई ये राष्ट्रीय हित का फैसला नहीं है, है ना। यानी कि यहाँ पर जैसे कि बात की कि RCEP मतलब नहीं शामिल हुआ तो ये तो ठीक है राष्ट्र के हिसाब से और किसानों और अन्य के हिसाब तो ठीक है, लेकिन कंपनियों को निश्चित तौर पर कंपनियों की ये बात की है तो उनको तो मतलब कि सक्षम होना ही पड़ेगा। अब जैसे कि RCEP की एक प्रकार से वही है कि एक दोधारी तलवार है कि इसके पास जाना खतरनाक है, पर इसके मुकाबले के लिए एक प्रकार से हमें एक वक्त है कि उसके लिए एक प्रकार से सटीक ढंग से तैयार रहने की ज़रूरत है ना। तो हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। ये आर्टिकल है कि जो अभी हाल ही में देख सकते हैं कि जो जो 30,000 कोर्ट की ही बात की जाए, वहाँ पास जैसे कि ट्रैफिक मतलब कि जो डिस्प्यूट देखने को मिला पुलिस और वकील के बीच, कि जैसे कि देख सकते हैं कि जब वहाँ पास जब पार्किंग में जो वकीलों और पुलिसों को मतलब कि वहाँ पास पुलिस के ऊपर जो वकीलों ने मतलब कि मारा था उनको, है ना, उसके बाद फिर जो है तो पुलिस की तरफ से भी वकीलों के उस पर बेंच वगैरह तोड़ी गई थी और वहाँ पास फायरिंग की भी मतलब कि देखने को मिले थे, है ना, घटनाएं हुई थी। और उसके बाद जो है तो काफ़ी ज़्यादा फिर एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा मामला उलझता ही चला गया था, है ना। वहीं साथ में फिर बात करें कि जो दिल्ली उच्च न्यायालय थे उसने उसका भी तो डिसीजन आया था, तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उसने डायरेक्ट एक्शन एक तरफा ही उसको ऐसा बताया गया कि उसने सिर्फ और सिर्फ पुलिस वालों पे ही मतलब कार्रवाई की इधर साइड, बल्कि उधर साइड जो है तो मतलब कि वकीलों के उस पर कोई ज़्यादा उसने कार्रवाई नहीं की, इस तरह के भी आरोप लगे, है ना। और उसमें जो है तो उसके मतलब कि जो उसके डिसीजन थे उच्च न्यायालय के, तो उसने भी मतलब कि SP और SI, ASI है ना कुछ को मतलब कुछ ने जो तो मतलब वो कर दिया था। तो इधर हम बात करते हैं कि जैसे इसी उस पर ये जो बैकग्राउंड था, तो उसके बाद के जैसे कि इसमें ये मामला हुआ था, तो इसी में ये बात करें जैसे देश भर में वकील सबसे संगठित ट्रेड यूनियन है ना। तो अदालत परिसर में उनके एक प्रकार से आचरण किसी खराब ट्रेड यूनियन के सदस्यों जैसा हो जाता है। इस आर्टिकल में यदि बात करते हैं कि जैसे यहाँ पास जैसे अदालतों के एक प्रकार से बात की जाए,
यहाँ पर राइटर यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे कि देश के किसी भाग में एक प्रकार से प्रत्याशित नहीं है कि जैसे अदालतों में ही देखा जाए कि जो कुख्यात मतलब कि वहाँ पास की घट वहाँ पास ही तो घटना थी कि अदालत में जब ये मामला हो रहा था तो वहाँ वहीं पास जो है तो पुलिस वालों के ऊपर मतलब कि हमले किए गए थे। पुलिस और वकील के बीच तो इस प्रकार के झड़पें ये तो ठीक है कि इस प्रकार की ये कोई नई घटना नहीं, इस प्रकार की घटनाएं और भी पहले हुई हैं, लेकिन अप्रत्याशित तो और ऐतिहासिक इसको माना जा सकता है कि ये ज़्यादा मतलब की बड़ी घटना है कि दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने देखने को मिला कि हज़ारों की संख्या में जो पुलिस पुलिसकर्मी सड़कों पर उतर आए थे, ये पहली बार इस प्रकार की घटना देखने को मिली थी, है ना। तो उन एक प्रकार से देखा जाए तो राइटर मतलब बताया कि 1973 के दृश्य मतलब के बारे में वो बताते हैं कि जैसे कि जब दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में पुलिस हड़ताल कर रही थी तब इस प्रकार की सिचुएशन देखने को मिली थी, है ना। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि यदि बात की जाए कि जो पुलिस की बात की जाए तो वो एक प्रकार से अनुशासनबद्ध सशस्त्र बल है ना। पुलिस की बात की जाए है ना तो उनको अनुशासनबद्ध सशस्त्र बल, यदि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लैंग्वेज में बात की जाए तो अनुशासनबद्ध सशस्त्र बल कहा जाता है, तो उनके लिए हड़ताल के लिए बगावत शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। उनकी इसको मतलब कि जिस प्रकार से वहाँ पर उन्होंने स्ट्राइक किया है ना पुलिस वालों ने, तो उसको हड़ताल नहीं कहा जाता बल्कि जो तो इन्हें एक प्रकार से इसको बगावत के सब मतलब की संज्ञा दी जाती है, और उससे निपटने के लिए वही तरीका अपनाए जा सकते हैं जो समाज के दूसरे तबकों के हड़तालों के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। तो अब ये बात करते हैं कि यहाँ ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने जो अपने कई निर्णयों में जैसे वकीलों की हड़ताल को न सिर्फ अवैध घोषित किया है बल्कि भविष्य की मतलब कि हड़तालों पर भी पाबंदी लगाई है, लेकिन इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला, है ना। उधर अपवाद के स्वरूप यदि बात की जाए जैसे कि कुछ मामलों में जो वकीलों को दंडित तो किया गया लेकिन ज़्यादा आमतौर पर ज़्यादा ही प्रभावी देखने को नहीं मिला, है ना, यानी कि कोई ज़्यादा खास कार्यवाही नहीं देखने को मिली। तो ऐसा उदाहरण यदि ढूंढने पर ही शायद मिले कि जिसमें समाज के दूसरे तबके जैसे कि बात किया डॉक्टर है, दुकानदार है, पुलिसकर्मी है, अदालत है, इनके छोटे कर्मचारी है ना या वकील है उन यानी कि ये जो है तो वकीलों की हिंसा के शिकार हुए हों और उनके पक्ष में भी वैसी ही न्यायिक तत्परता दिखाई पड़ी हो जैसे कि वकीलों की शिकायत पर मतलब कि दिखने लगती है। तो ये सवाल भी एक प्रकार से किसी भी नागरिक के मन में उठ सकता है जैसे कि अपने सम्मान के प्रति अति संवेदनशील जो अदालतें हैं ना, तो एक प्रकार से बार की जो हड़तालों एक प्रकार से अदालतें बार की जो हड़तालों को प्रतिबंधित करने वाले जो अपने फैसले हैं तो एक प्रकार से उनको कोई ज़्यादा मतलब कि तवज्जो नहीं दी जा रही है ना। तो इससे जो है तो एक प्रकार से हड़ताली जो हैं तो उनको तो एक प्रकार से अवमानना की कार्रवाई उसको करनी ही चाहिए जो हड़ताली हैं, तो उनको निश्चित तौर पर जो बार काउंसिल है तो उसको तो इन पर एक्शन लेने ही चाहिए। तो इस पर ज़्यादा उसने कोई खास मतलब कि प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है ना। अब यदि बात कर यदि यहाँ पर बात की जाए कि देश भर में जैसे वकील जो हैं तो सबसे ज़्यादा संगठित ट्रेड यूनियन है ना, खासतौर से बात की जाए कि अदालत परिषद में तो और भी ज़्यादा उनका मतलब कि वर्चस्व देखने को मिलता है ना, कि ये देखें कि उनका आचरण जो है तो किसी खराब ट्रेड यूनियन के सदस्यों जैसा हो सकता है ना। अब देखें जैसे कि मुख्य रूप से जैसे उनकी मतलब कि जातियों के शिकार अदालतों के जैसे छोटे कर्मचारी होते हैं, कभी कभी जज को भी मतलब कि कुछ हिंसक मतलब घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। तो इनके अतिरिक्त जैसे कि अदालतों में न्यायिक कर्तव्यों के लिए आने वाले जैसे पुलिसकर्मी हैं तो सबसे ज़्यादा इनके इनसे मतलब कि शिकार होते हैं, है ना। मारपीट की घटना उनके उनके साथ ज़्यादा देखने को मिलती रहती हैं। तो पेशेवर की एक प्रकार से अनुशासन के लिए उन्हीं द्वारा चुनी गई जो संस्थाएं हैं और एक प्रकार से देखें तो जो इनमें एक प्रकार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने अधीनस्थ जो न्यायालय हैं उनमें अनुशासन और न्यायिक शुचिता कायम रखें, ये जो है तो एक प्रकार से बात की जाए तो ये जो एक प्रकार से ट्रेड यूनियन समूह के खिलाफ भी एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा प्रभावी नज़र नहीं आते हैं। बात की जाए यदि हम न्यायालयों की बात करते हैं तो इनमें ज़्यादा इनका वो ज़्यादा प्रभाव मतलब कि इनके जो निर्णय हैं तो उनका डिसीजन कोई मतलब खास वो नहीं देखा जाता है। अब अपने ट्रेड यूनियन की एक प्रकार से ये ताकत को लेकर वकील बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आश्वस्त भी हैं। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं जैसे घटना भी देखने को मिली है तो दिल्ली की सड़कों पर मतलब उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि स्ट्राइक वगैरह की थी और उससे जो है तो एक प्रकार से पुलिसकर्मियों को भी पीटा गया और उनकी जो तो काफ़ी ज़्यादा मतलब संपत्तियों को भी नुकसान पहुँचाया गया। तो यहाँ बात करते हैं कि ये घटनाएं तो ठीक ही है और इसमें जो तो दोनों ने भी मतलब कि पुलिसकर्मियों ने भी मतलब कि इस पे वो जो दोनों के बीच जो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि डिस्प्यूट देखने को मिला। तो जो ट्रेड यूनियन की है एक प्रकार से यही जो मनोवृत्ति है इलाहाबाद, लखनऊ या पटना की सड़कों पर भी देखने को मिला था, है ना, जहाँ एक प्रकार से पुलिस वाले ही जो है तो उनके शिकार नहीं बने बल्कि जो दुकानदार हैं, डॉक्टर, वाहन चालक, उनको भी मतलब कि उसमें मतलब कि मतलब प्रताड़ित किया गया था, है
ना। तो जैसे कि देखते हैं कि कुछ ही समय पहले जैसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र, जैसे वही घटना है कि कन्हैया कुमार को पुलिस हिरासत से उन्होंने मतलब कि घटना भी देखने को मिली थी कि वकीलों ने पीटा था जब पुलिस हिरासत में था तब भी, है ना। तो एक तरह से देखें कि ये तो फिर एक जो अनुशासन बनाए जाने की बातें हो रही हैं, तो ये तो उस प्रकार से उसका वायलेशन ही, उसका उल्लंघन ही है। कोई ज़्यादा इस पर एक प्रकार से कोई किसी का डर ही यहाँ पर नहीं देख रहे को मिल रहा है ना, कि एक प्रकार से अराजकता का माहौल देखने को मिल सकता है। और वहीं देखें कि यहाँ पास वहीं पुलिसकर्मियों की स्ट्राइक की बात की जाए, तो जैसे किसी भी सशस्त्र बल के जो सदस्य हैं तो उनको अपने कमांडरों के हुक्म की एक प्रकार से अवहेलना की इजाज़त नहीं दी जाती है ना, नहीं दी जानी चाहिए। हर बल में एक प्रकार से इस स्थितियों से निपटने के लिए एक प्रकार से एक अतिरिक्त तंत्र होता है, और जैसे दिल्ली पुलिस भी इस दिशा में हालांकि सक्रिय होनी चाहिए उसको भी। तो इस बार जैसे कि बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय से भी जो है तो सक्रियता की मतलब कि उम्मीद की जाती है, कि सर्वोच्च न्यायालय भी मतलब कि उसमें कुछ मतलब कि अपने वो दे डिसीजन दे ना। वहीं जैसे कि बात की जाए तो क्योंकि जो घटना है तो मतलब कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसको तो निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट को उसमें संज्ञान लेने की ज़रूरत ही है ना। तो देखें कि एक प्रकार से जब ये हो जाएगा तभी एक प्रकार से विश्वास का माहौल भी होगा ना। तो देखें कि जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पास कि इस प्रकार से वकीलों की बात की जाए, तो जिस प्रकार से वे न्याय प्रणाली के एक प्रकार से जो न्याय प्रणाली के जो अंग हैं उसके हिसाब से ही उन्होंने जो कानून कायदे को एक प्रकार से जिस प्रकार से धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, तो उससे जो तो निश्चित तौर पे यानी कि इससे तो ये दिख रहा है कि उनके मन से एक प्रकार से कोई भय या विश्वास खत्म हो गया कि उनका कोई कुछ कर लेगा है। तो एक प्रकार से स्थिति तो बिगड़ जाती है, लेकिन जो सिचुएशन की बात की जाए तो यहाँ पास जो है तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ एक मतलब कठोर कदम उठाए जाने की ज़रूरत है ताकि जो है। तो वहीं इसे भी गंभीरता से देखने की ज़रूरत है कि वकालत के पेशे में आखिर किस तरह के लोग आ रहे हैं ना। देश के कुछ जैसे हम कुछ चुनिंदा विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालयों को यदि छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर जो संस्थान है तो उससे जो तो ऐसे अधूरे ज्ञान वाले मतलब कि लोग एक प्रकार से कानून की शिक्षा लेकर के आ जाते हैं भीड़ के रूप में, है ना, अदालतों में। तो ये एक प्रकार से कुछ भी करके मतलब कि ज़्यादा ज़्यादा अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रतिस्पर्धा है कलाकार, तो उसमें जैसे दुनिया में स्वाभाविक है कि हर अदालत में कुछ ही वकील ज़्यादा सफल हो पाते हैं, है ना। शेष तो ऐसे गैर पेशेवर तरीके से ही अपने काम चलाते रहते हैं, तो इसके लिए वे कुछ भी कर सकते हैं इस प्रकार के मतलब कि इसीलिए तो इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल सकती है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा मतलब कि वेल एजुकेटेड होता है तो उससे इस प्रकार की कभी भी हम मतलब कि नहीं कर सकते, अपेक्षा नहीं करेंगे कि वो इस प्रकार की मतलब कि उस पर गतिविधियों में इन्वॉल्व होगा, है ना। तो एक मजबूत ट्रेड यूनियन के सदस्य होने के कारण उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, जिससे कि एक प्रकार उनका और भी ज़्यादा मतलब दुस्साहस बढ़ता ही जाता है। तो ये समय है कि कानून की एक प्रकार से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल कर वकालत का जो पेशा अपनाने वाले जो ये वाले हैं तो उनमें भी एक प्रकार से पेशेवर नैतिकता और अनुशासन कायम करने की ज़रूरत है ना। और उसी तरह एक प्रकार से जिम्मेदार संस्था बनाने के बारे में भी सोचा जाने की ज़रूरत है ना। तो जिससे कि जो एक प्रकार से स्पष्ट मतलब कि यहाँ पास देखा जाए, यहाँ भी उसी तरह से जिम्मेदार संस्था बनाने की ज़रूरत है जिस प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में जो है तो बनाए गए हैं। तो इससे निश्चित तौर पर जो है तो गुणात्मक सुधार भी देखने को मिलेगा ना। तो बस आज के इस आर्टिकल में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।